नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर इस होम्योपैथिक नॉलेज और हम होम्योपैथिक एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले। और मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है उसका जो थंबनेल में जो शीर्षक दिया है वो है कि व्हाट इज इंटरकरेंट मेडिकेशन एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज इन द होम्योपैथी। तो दोस्तों, ये होम्योपैथी का कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, जहाँ पे हमको बहुत कुछ अगर काम करें, अगर कोई एक होम्योपैथ इंटरकरेंट मेडिकेशन को हमेशा कंसिडरेशन में रखे और उसको कंसिडरेशन में रख करके अपने फैसले ले, तो ये एक ट्रीटमेंट के लिए और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे इंटरकरेंट मेडिकेशन होता क्या है। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस में कई बार बहुत एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज वेरी प्रॉपर मोस्ट ऑफ द टाइम। हम बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत मतलब एक केस के ऊपर बिल्कुल सेंसेशन, लोकेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट पे हम बहुत ही सुटेबल मेडिसिन चुनते हैं, पर यह भी काफी फ्रिक्वेंटली होता है कि जनरली वो मेडिसिन काम नहीं करती। उसके काम ना करने के पहले अपने को ये टेक्निकलिटी समझना चाहिए कि वो काम क्यों नहीं करती। क्योंकि देखिए, जो बीमारी होती है, बीमारियां जो होती हैं, ये लाखों साल के इवोल्यूशन का नतीजा है। जिस तरह से मानव शरीर एक बंदर से आज इतना इंटेलिजेंट हो गया कि हम मंगल ग्रह पे हम मंगल ग्रह पे लोगों को पहुंचाने की योजनाएं तैयार करने लग गए, तो जितना पुराना हमारा शरीर है उतनी ही पुरानी बीमारियां हैं। बीमारी का अस्तित्व मानव शरीर के अस्तित्व जितना ही पुराना है, और बीमारियां भी इवॉल्व हो रही हैं। तो उनके इवोल्यूशन का एक तरीका है कि जो बीमारी होती है वो जनरली अपने आप को एक शेल के अंदर कवर करके रखती है, कि आपकी वेल चूजन मेडिसिन, आपकी सबसे वेल सिलेक्टेड मेडिसिन भी उस तक नहीं पहुंच पाती। तो हमको वो जो शेल है उसको हमको तोड़ना पड़ता है, और जब हम वो शेल को तोड़ देते हैं उसके बाद ही हमारी मेडिसिन जनरली काम करने की स्थिति में आती हैं। ये जो शेल को तोड़ने वाला मेडिकेशन होता है इसको बोलते हैं इंटरकरेंट मेडिकेशन। इंटरकरेंट मेडिकेशन का एक सिनोनिमस, जो कि आम बोलचाल की भाषा में होम्योपैथी में जनरली हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं, एंटी मायसमेटिक ट्रीटमेंट। हम मायज़म को सप्रेस करते हैं, क्योंकि मायज़म जब तक अपनी एक्सपोज्ड स्टेट में है, उसको हमको जब तक उसको हम लेटेंट में नहीं लेके जाएंगे, तब तक वो मेडिसिन को बीमारी के ऊपर इफेक्ट नहीं करने देगा। तो एंटी मायज़मेटिक ट्रीटमेंट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरकरेंट मेडिकेशन इन एनी ट्रीटमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल सल्फर के अंदर क्या लिखा है, वेन द वेल चोजन मेडिसिन डू नॉट एक्ट, especially in the case of सोरा। वहीं पे जब ये syphilitic miasm होता है तो वहां पे आ जाती हैं, जिस तरह से सोरा के अंदर सोराइनम और सल्फर हैं, उसी तरह से syphilitic miasm में syphilinum मर्कसोल है, psychotic miasm के अंदर थूजा है और मेडोराइनम है, उसी तरह से अदर और भी दवाएं होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक एंटी मायज़मेटिक मेडिसिन ही आपकी एक इंटरकरेंट मेडिसिन हो। कई केस के अंदर नोसोट्स भी एज ए इंटरकरेंट मेडिसिन काम करते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी बीमारी जानते हैं जिसके अंदर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हम लोग उनको यूज करते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन होता है मम्स, उसमें हमारे पास एक नोसोट है जिसका नाम है पैरोटिडिनम। जो खांसी के केसेस आते हैं, जनरली जो बिगड़ी हुई खांसी होती है छोटे से बच्चों को या कोई मिड एज्ड आदमी को या लेडी को, जो कि खांसी बहुत दिन से टिकी हुई है, उसका जो साउंड होता है वो बिल्कुल ड्रोसेरा के जैसा रहता है, बार्किंग कफ, बिल्कुल हार्श बार्किंग कफ होता है, रैकिंग कफ होता है, ऐसी खांसी जो बिल्कुल सूखी है जिसमें एंड में कोई एंड प्रोडक्ट नहीं निकलता है और पेशेंट पूरा हिल जाता है उसको खांसते, मतलब जब वो पेशेंट खांस रहा होता है ना तो ही जस्ट वो पूरा का पूरा रैक अप हो जाता है। ऐसी जो खांसी रहती है जनरली, इसके अंदर मैं अपनी केस के अंदर पर्टुसिनम नाम का एक नोसोट यूज करता हूँ, विच इज मेड फ्रॉम द हुपिंग कफ। हुपिंग कफ का जो एक्सपेक्टोरेशन था उससे पर्टुसिनम बनता है। क्यों? क्योंकि उस लेडी को एक क्रॉनिक कफ है, उसकी बीमारी के अगल बगल एक शेल बना हुआ है, वो ऑलरेडी एक महीना सफर करके एलोपैथी से मेरे पास आई है,
तो आई शुड अंडरस्टैंड इट कि जो कुछ भी है वो बड़ा टिकाऊ है, बीमारी का जो अस्तित्व है बड़ा वो मजबूत और टिकाऊ है। तो इस तरह से आप नोसोट्स को आप यूज कर सकते हैं। नोसोट्स भी जनरली एज ए इंटरकरेंट मेडिसिन काम करते हैं। तो अभी हमने अपर लेवल से शुरू करा, तो पहला इंटरकरेंट मेडिसिन का जो सेक्टर हो गया वो एंटी माइजमेटिक, वो सोरा, सिफिलिस या साइकोसिस से संबंधित हो सकती है। जो सेकेंड लाइन ऑफ इंटरकरेंट मेडिकेशन हो गया उसके अंदर जो आता है वो नोसोट्स आ जाते हैं, जितने भी नोसोट्स हैं। जैसे कि अगर किसी को रिकरेंट बॉइल्स हो रहे हैं और वो पेशेंट हमारे पास आया कि साहब मेरे को विगत इतने सालों से, अभी रिसेंटली एक अंटी जी है मेरे पास, बोले साहब मेरे को एक के बाद एक बॉयल्स इतने सारे होते हैं कि मेरा चेहरे पे अगर हुए तो चेहरा खराब होता है, मेरा पूरा बदन खराब हो चुका है उन बॉयल्स से, क्योंकि जब वो हील होते हैं तो कहीं ना कहीं स्कार, कहीं ना कहीं कुछ निशान छोड़ के जाते हैं। तो मेरे को यहाँ पे समझना चाहिए कि बीमारी अगर इतने साल से टिकी हुई है तो मतलब यहाँ पे एंथ्रासिनम का जो नोसोड है हमारे पास वो यहाँ पे एज ए इंटरकरेंट काम करेगा, क्योंकि इस लेडी को हीपरसल्फ, साइलिशिया, कल्केरिया सबसे वैसा फायदा तो होगा। बट आई शुड ऑल्सो कीप इट इन माई माइंड कि जब ये मेडिसिन काम करना एग्जॉस्ट कर जाएंगे, इनका असर एग्जॉस्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है मैं मेडिसिन दो उसको तुरंत फायदा ही ना हो, तो मेरे को एज ए इंटरकरेंट की तैयारी किसी भी ट्रीटमेंट में, किसी भी केस को लेने के पहले आई शुड कीप इन माइंड कि यहाँ पे एक टाइम आने वाला है, या तो वो टाइम ट्रीटमेंट की शुरुआत में ही हो सकता है कि मेरा पहला ही पर्चा काम ना करे, या तो वो टाइम 2-3 प्रिस्क्रिप्शन के बाद आ सकता है कि जब वेल इंडिकेटेड मेडिसिन काम ना करे। ये अपन कई मेडिसिन में पढ़ते हैं, सल्फर के अंदर लिखा है कि व्हेन द वेल चोजन मेडिसिन फेल्स टू एक्ट, दिस इज द बेसिक इंडिकेशन व्हेन वी हैव टू डिप्लॉय द इंटरकरेंट मेडिकेशन। एंड द इंटरकरेंट मेडिकेशन विच इज नीडेड इन दैट केस और इन एनी केस डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। भाई वो एक्यूट है, वो क्रॉनिक है, जनरली आप देखना एक्यूट केसेस के अंदर इंटरकरेंट मेडिकेशन में नोसोट्स आते हैं। जैसे टाइफाइड का केस है तो हम टाइफाइडिनम देते हैं, मम्स का केस है हम पेरोटिडिनम देते हैं, हुपिंग कफ या ड्राई बार्किंग कफ का केस है, क्रॉनिक कफ का केस है, वो केस जिसके अंदर थ्रेटन ट्यूबरक्लोसिस का डर है, लोगों को डर है उसमें कि यार कहीं इसको टीबी तो नहीं है, और वो हमारे पास आता है तो उसकी 2 बार टीबी की जांच हो भी चुकी होती है, तो इन दैट केस हम पर्टुसिनम देते हैं। मीजल्स के अंदर हम मॉर्बिलिनम देते हैं, टाइफाइड के अंदर हम टाइफाइडिनम देते हैं, जो क्रॉनिक सोरा का केस आता है उसमें सोराइनम देते हैं, क्रॉनिक साइकोटिक सप्रेस्ड साइकोसिस का जो केस आता है उसमें मेडोराइनम देते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा चॉइस ऑफ इंटरकरेंट मेडिकेशन के ऊपर अब इससे ज्यादा वर्डिक्ट एक वीडियो में इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि दैट डिपेंड्स। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरकरेंट हो गई वो एंटी माइजमेटिक हो गई, सेकंड लाइन ऑफ इंटरकरेंट हो गई वो जनरली नोसोट्स हो गए, और देयर इज ऑल्सो द थर्ड लाइन ऑफ इंटरकरेंट। विच इज द थर्ड लाइन ऑफ इंटरकरेंट? थर्ड लाइन ऑफ इंटरकरेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑफ दैट पेशेंट, कि उसके पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल लक्षणों के हिसाब से मेडिसिन कुछ और निकल रही है। सर जी मेरे को तो हेडेक हो रहा है, हेडेक का एग्जांपल मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसको समझना थोड़ा सा आसान होता है लोगों के लिए। अगर मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लूँ, जैसे कि मैं आगे लूंगा इस ब्लॉग के अंदर, इस चैनल पे आगे मैं बहुत कॉम्प्लेक्स करने वाला हूँ इन सब चीजों को, क्योंकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मेरी चीजें भी उसी प्रोपोर्शन में कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो उसको हेडेक के लिए तो हमने एज अ एक्यूट मेडिसिन हमने ब्राइनिया दिया, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं किसी मेडिसिन को बिलोंग कर रहा है, वो एकदम दुबला पतला है, वो हेडेक की बात करते करते ही आपके सामने बैठ के बोल रहा है कि यार मेरे को तो यार खाना लगता नहीं है डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत खाता हूँ पर मैं तो दुबला ही होता जा रहा हूँ और खाना मेरे बदन को कुछ इफेक्ट ही नहीं करता, ऐसा कैसे ही पास ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझनी चाहिए कि द सेकेंड मेडिसिन विच इज इंडिकेटेड हियर इज द नेट्रम्यूर, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन हिज कंप्लेंट्स ऑल्सो, कि वो नेट्रम्यूर की कंप्लेंट भी बता रहा है, और सेकेंडरी इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी नेट्रम्यूर के ऊपर सुपर इम्पोज होता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर किसी भी केस के अंदर आप डिप्लॉय करेंगे तो दैट मे ऑल्सो एक्ट एज द व्हाट, दैट मे ऑल्सो एक्ट एज द इंटरकरेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। और आज की तारीख में होम्योपैथी कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट्स या प्रैक्टिशनर फेल हो रहे हैं तो वो फेल हो रहे हैं ड्यू टू द इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंटरकरेंट और ड्यू टू द नॉन सिलेक्शन ऑफ इंटरकरेंट। वो एक प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं उसी को लेके वो पिले रहते हैं एक पेशेंट पे, और फिर वो क्या करते हैं अपना प्रिस्क्रिप्शन जब रिजल्ट्स नहीं आते वो चेंज कर देते हैं,
फिर वो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को थर्ड प्रिस्क्रिप्शन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सेट्स ऑफ मेडिसिन के साथ ट्राई कर रहे हैं। जबकि प्रोबेबली ये ज्यादा बहुत होती है कि आपने जो पहली दवा निकाली थी ना, वो सबसे करेक्ट मेडिसिन थी उसकी पेशेंट की, उसने बस इसलिए काम नहीं करा क्योंकि आपने उसके बाद या उसके फेल होने के बाद इंडिकेटेड प्रॉपर इंटरकरेंट मेडिसिन नहीं दी। तो आप मेरी बात समझे, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द इंटरकरेंट मेडिकेशन। इंटरकरेंट मेडिकेशन दोनों केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एक्यूट के अंदर भी देना पड़ता है और क्रॉनिक में तो देना ही पड़ता है, क्योंकि क्रॉनिक पेशेंट जो रिस्पॉन्स अलाय करेगा ही नहीं उसके बिना। तो अब इसके इस वीडियो के लिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि पिछला वाला वीडियो काफी लंबा हो गया था, हालांकि ये भी हो सकता था पर अभी मैं शुरुआत में इसको नहीं करना चाहता। तो गाइस, आप लोग जो भी वीडियो जिस भी संदर्भ में जो भी आपके सवाल हो, आप उन सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं इतनी कोशिश करूंगा कि मैं आपके एक एक सवाल के जवाब में मैं एक एक वीडियो आप तक पहुंचा पाऊं। और आप सवाल करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे सवाल करते हैं जो जनरल पॉपुलेशन को, होम्योपैथिक प्रैक्टिस पॉपुलेशन को फायदा देते हैं और उस पर अगर वीडियो आता है तो देट वुड बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरीबडी। तो मित्रों, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेला आप सबसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।